ना हम इसका नाम रखें एंटियोसॉरस। इसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं छूकर देखूं। बिल्कुल, क्यों नहीं। एंटियोसॉरस एक डायनासोर के लिए अच्छा नाम है, हैं? स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। एग्नेस, तुम्ही ने इस नए डायनासोर स्पीशीज को ढूंढ निकाला है, इसे क्या नाम देना है ये तुम ही तय करो। मैं चाहती हूँ इस बारे में आप मुझे सजेशन दे। अगर हम इस स्पीशीज का नाम विलोसॉरस रखें तो मुझे इनके बारे में बताया क्यों नहीं। डरो मत, बैट सिर्फ छोटे लोगों पर अटैक करते हैं। ओह भूल गई, तुम भी छोटे हो। जज एंड पीछे हट जाओ, उस किनारे से दूर रहो, वो गिर सकता है। पर उस किनारे से दूर रहो, पीछे हटो। डैड, मेरी फैमिली एक्सप्लोरर्स हैं, पीढ़ियों से यही करते आ रहे हैं। औरों की दिलचस्पी होती है चांद तारों में, और हमारी है समुंदर की गहराई में। समंदर में अनगिनत खतरे हैं, और इन्हीं खतरों से खेलना हमारा शौक है। एक्सप्लोरर फैमिली की तौर पर हम एक्सप्लोर करते हैं द डीप। मॉम, अब क्या करें मॉम? थोड़ा सब्र रखो, कोई ऊपर आ रहा है। आई डैड, मुझे तुम लोगों को पहले ही आगाह करना चाहिए था, यहाँ की जमीन स्थिर नहीं है। इसका बहाव इस सिंक होल में खत्म हो जाता है, और सिंक होल धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ, पानी गुफा से होते हुए वही कहीं एरोनेक्स के आसपास समंदर में मिल जाता है। मुझे उम्मीद है ऐसे बहुत से फॉसिल्स गुफा के अंदर होंगे। तुम एक्सप्लोरर्स हो और तुम्हारे पास एडवांस्ड मशीन्स भी है, तो इस काम के लिए तुम परफेक्ट हो। वैसे मैं मानता हूँ कि हम अच्छे हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं। दरअसल मेरा भाई खुद के बारे में बात कर रहा है। पर सवाल ये है कि वहाँ नीचे जाने में खतरा है या नहीं। पता लगाने का एक ही तरीका है। गोल्फ के बॉल्स? ये पिंगल्स हैं, ये 3D सोनार मैपर्स हैं। ये गुफा के बहाव में फ्लोट करेंगे, वहाँ का जायजा लेंगे और समंदर के रास्ते एरोनॉक्स पर लौट आएंगे। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे पास एडवांस्ड मशीन्स हैं। परफेक्ट। पहली दो गुफाओं में घूमने के लिए काफी जगह है। लेकिन डैड जरा यहाँ देखिए, ये जगह जरूरत से ज्यादा ही छोटी है, इतनी छोटी कि नाइट भी नहीं जा सकता। ओके, तो हम ऊपर से तैर कर जाएंगे। देखो यहाँ पर, क्या ये फॉसिल्स हैं? शायद सिर्फ मलबा होगा, वहाँ जाने के बाद पता चल ही जाएगा। ये आखिरी पिंगर है जेफरी, और ये जाएगा मेरे नए नवेले दोस्त के पास, और इसका नाम है स्वैम्प नाइट। क्या हुआ जेफरी, आज तुम उदास हो? ओह हाँ, तुम्हें भूख लगी होगी। फिक्र मत करो दोस्त, मेरे पास तुम्हारा खाना है। एंड ये देखो, एक नया हाईटेक सुपर नियोप्रिन वेट सूट। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पहनूंगा, लेकिन मेरा ये सूट, इसे पहने काफी दिन हो गए, और सच कहूँ तो इससे बदबू आ रही है। बदलो। मॉम प्लीज, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, पता है आपको, मैं परफेक्ट स्थान में परफेक्ट इंसान माना जाता हूँ। ऐसा कोई देश नहीं है। मैं अभी चेंज करता हूँ, ये सूट मुझे चुभ रहा है। तुम्हें इसे पहनना ही होगा, पुराना वाला रिसाइकल हो जाएगा। ये लाइट कहाँ से आ रही है? पता नहीं, चलो चल के देखते हैं। वाह! हजारों चमकने वाले कीड़े, ऐसा नजारा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये चमकीले कीड़े हमसे कहना चाहते हैं कि हमें खाना मत, हम में जहर है। हम तुम्हें नहीं खाएंगे, फॉन्टेन का भरोसा नहीं। ये बैच की आवाज से डर रहे हैं, लेकिन बैच यहाँ नहीं आ सकते, है ना?
नीचे सभी एंट, वो वापस आ गए। मैं बैट से नहीं डरता, समझी? एंट, अपने पीछे देखो। तुम मुझे दोबारा बुद्धू नहीं बना सकती। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। एंट, पीछे देखो। ओहो, वाओ। एग्नेस को ये पसंद आएगा। उस कंकाल के मुताबिक ये स्पीशीज करीब 12 मीटर लंबा होगा। हाँ, हो सकता है। बहुत अच्छे, मेरे मास स्पेक्ट्रोमीटर पर उसका बेसब्री से इंतजार है। वो तुम्हारे पास पहुँच रहा है। क्या बात है। ठीक है, हमें उनके जवाब का इंतजार रहेगा। चलो मैं बाकी फॉसिल्स के लिए किनारे पर जाती हूँ। ठीको, हम साइट पर पहुंच गए हैं। हम जल्दी ही लौट आएंगे। ओवर एंड आउट। चलो इस जगह का मुआयना करते हैं। क्या तुमने फिर से अपना पुराना सूट पहना है? ये मेरा पुराना सूट नहीं है, ये मेरा दोस्त है। ये मुझे पसंद है, हम एक साथ काम करते हैं। इससे फिश फूड की बदबू आ रही है। मुझे इसकी बेइज्जती पसंद नहीं। अब मैं और मेरा दोस्त अगली गुफा में जाकर खोजबीन करते हैं। कीको, तुम्हें मुझ पर बहुत खुश होना चाहिए। क्यों, क्या बात है? ये बहुत ही दिलचस्प बात है। मैंने इनका टेस्ट किया, गजब की बात है। ये अवशेष पुराने नहीं हैं। अवशेष पुराने नहीं हैं मतलब? इग्नियस पत्थर यहाँ कैसे? ये बसाल्ट तो नहीं? एग्नेस, तुम्हारे फॉसिल्स पुराने नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा 50 साल के हैं। ये नामुमकिन है। पानी में मिले हाई मिनरल कंटेंट ने इन हड्डियों को पत्थर जैसा बना दिया है। हाँ? हाँ, ये बसाल्ट नहीं है। एग्नेस, अगर ये फॉसिल्स पुराने नहीं हैं, तो वो चीज अभी भी जिंदा होगी। ये देखने में तो काफी बड़ा है, लेकिन आर नेक्स्ट टू नेक्टिन्स, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जवाब दो प्लीज। ओके, मैं नहीं हिलने वाला और तुम भी मत हिलना। सॉरी, लोहे से बंद कर दिया मैंने। मेरे पास बताओ, मुझे दूर रहो। ओके, तुम्हें ये बात सीखनी होगी कि तुम्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और मैं तुम्हारा खाना नहीं हूँ। ओके, रुको, तुम मुझे अपनी मॉम समझ रहे हो? हम जेफरी को नहीं बताएंगे। मैं आपका स्वागत है। ये है बिल्कुल नया और एडवांस नाइट। दूसरे नाइट के मुकाबले ये नाइट जमीन पर भी चल सकता है। ये दलदल और केव एक्सप्लोरिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। अब लेक्चर मत दो आर्टिफिशियल एंट। लेकिन इस हरकत के बारे में मैं असली एंट से जरूर जानना चाहूंगी। वाह, ये आज तक की हमारी सबसे बड़ी खोज है डैड। फॉन्टेन, मुझे पूरा यकीन है इससे पहले इस जगह पर कोई नहीं आया होगा। एक्सप्लोरर्स भी नहीं? नहीं। केवमैन? लगता तो नहीं। अब मैं इस तरफ जाता हूँ और तुम ओके, तुम मेरा पीछा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें फिश की बू आ रही है? रुक जाओ, मेरे पास फिश फूड होगा, हमेशा होता है। रुको रुको, निकालता हूँ। देखो,
ये ज्यादा नहीं है लेकिन अमीनो एसिड और विटामिन से भरा है। वाओ, तुम्हें ज्यादा भूख लगी है? सॉरी दोस्त, वो आखिरी था। वाओ! स्वॉप नाइट में मोटा कवच, ज्यादा स्टोरेज कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है। मुझे इस वक्त एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की ही जरूरत है। ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रही। और हाँ, ऑपरेशन के वक्त इस एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ का ध्यान रखना चाहिए। ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। हम गलत रास्ते में जा रहे हैं। तुम कहाँ थे? अब क्या? मेरे साथ मेहमान आया है। And? ये एक बच्चा है, मुझे नहीं पता ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। शायद इसलिए कि मैंने इसे खाना दिया। And? ये बहुत बहुत बड़ा बच्चा है। इसका मतलब वो फॉसिल्स नहीं है। And? हम इसे साथ नहीं रख सकते। गुस्सा मत करो, ये दोस्त है, मेरी बात समझता है। अच्छे से। हे, मैंने कहा ना ये खाना नहीं है। इससे फिशफूड की बू आ रही है। एंड अगर ये बच्चा है तो इसकी माँ इससे भी काफी ज्यादा बड़ी होगी। ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। हाँ, इसे छोड़कर आता हूँ। इस बार का ध्यान रखना, इसके थ्रस्टर्स बाकी नाइट से शक्तिशाली है। क्या? Come on, artificial ant, नीचे चलो, नीचे। ये वॉइस कमांड पर कंट्रोल नहीं हो सकता, ये तुम्हारे हेड मूवमेंट्स के जरिए कंट्रोल होगा। अपना सिर लेफ्ट घुमाओ लेफ्ट जाने के लिए, राइट जाने के लिए राइट घुमाओ। ओ, इसे कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। और फिर ऊपर और नीचे, एक बच्चा भी इसे ऑपरेट कर सकता है। ओ, अच्छा तो ये बात है। जब तुमसे मिलूंगी तब अच्छे से क्लास लूंगी। अब जाओ, ये तुम्हारा घर है, याद है? मेरे पास और खाना नहीं है, काश होता। कम ऑन स्नैपी, छोड़ दो इसे, ये मेरा फेवरेट सूट है। एंड, अपने पीछे देखो। क्या बैट्स हैं? काश वो बैट्स होते। पीछे आओ, आराम से। नहीं स्नैपी, तुम यही रुको। हमें निकलना होगा अभी। स्नैपी, मुझे भूल जाओ, देखो तुम्हारे भाई बहन, जाओ खेलो उनके साथ। ये किसकी आवाज है? ये इनकी माँ है। अब क्या? चलो वहां छुपे। कहाँ है वो? वो कहाँ गई? मुझे कैसे पता, मुझे थोड़ी बता कर गई है। जाओ यहाँ से। हमें यहाँ से निकलना होगा। इतना खतरा उठाकर मैं वहाँ से नहीं जाऊंगी। स्नैपी, तुमने इन्हें खाने के बारे में बताया है ना? जरूरत ही क्या है, तुम्हारे सूट से फिश फूड की बू आ रही है। एंट, मुझे मेरा मास्क दो। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, चलो जल्दी। क्या वो चली गई होगी? शायद नहीं। ये गुफाएं आपस में जुड़ी हुई है, वो देखिए। दोबारा ऐसा मत करना, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। घर जाओ स्नैपी, तुम्हारी मॉम तुम्हें बुला रही है, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, कभी कभार। ये जानवर एक परफेक्ट शिकारी है जो सालों से इसी जगह कैद है। बिल्कुल सही कहा, इन्होंने बाहर की दुनिया देखी नहीं। तो क्या हुआ, बाकी जानवरों से इनकी सूंघने की शक्ति तेज होती है, तुमसे फिश फूड की बू आ रही है। मेरे साथ ही रहना। चलो जल्दी उठ जाओ। मेरा सूट फंस गया है,
मेरा हाथ पकड़ो। शायद मुझे मेरे लकी सूट को यहीं छोड़ना होगा। नेटन फैमिली, मैं की को हूँ, जवाब दो प्लीज। ये सूट सच में पावरफुल है। कच्चा अच्छा है। थैंक्स। क्या इस पे जेफरी की तस्वीरें बनी है? ये जवाब देना जरूरी नहीं है। हाँ, जेफरी जैसे है। एंड तुम्हारा मास्क कहाँ है? ओह नहीं। ठीक है, हम दोनों शेयर कर लेंगे। गुफा से निकलकर सीधा सतह पर जाएंगे। मेरा मास्क भी नहीं है, हम इसके भरोसे नहीं जा सकते। इस तरफ आ जाओ। केको, तुम सुन रही हो? जवाब दो। ओवर। विल, मैं आ रही हूँ। ये फॉसिल्स कोई पुराने स्पीशीज के नहीं है, वो यहाँ जिंदा है। मैं जानती हूँ, तुम सब ठीक हो? अब तक तो ठीक है, लेकिन कोई बड़ा जीव हमारा पीछा कर रहा है। ठीक है, मेरी बात सुनो। एग्नेस के मुताबिक ये चीज अगर काफी बड़ी है तो ये समंदर के बाहर आने का सवाल ही नहीं उठता। ये अपनी जिंदगी हमेशा अंधेरे में जीना पसंद करते हैं। बिल्कुल, उन्हें लाइट से तकलीफ होती है, उसे हम फ्लैश लाइट से रोकेंगे। मेरी वाली खो गई। मेरा तो यहाँ सब कुछ खो गया। हमारे पास फ्लैश लाइट नहीं है। समझ गई। शायद तुम अपने बचाव के लिए उन चमकने वाले कीड़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। याद आया? समझ गया। पर आवाज सुनकर उनकी मॉम भी आ जाएगी। मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा आइडिया है। चिल्लाओ। ओ नहीं, उन पर कोई असर नहीं हो रहा। हमें पैट्स की जरूरत है। देखो, हमें पैट्स की जरूरत नहीं। इसकी आवाज से इसकी मॉम आ जाएगी। विल, तुम सब ठीक हो? काश वहाँ सब कुछ ठीक हो। खतरनाक, वापस जाओ। विल, आवाज नहीं आ रही। विल, तुम्हारे चीखने से उन चमकने वाले कीड़ों पर कोई असर नहीं हुआ। इस चीज को हमसे दूर रखने के लिए कुछ और करना होगा। वो कहाँ चली गई? ओ नहीं। मॉम के पास जाओ और उनसे कहो हमें छोड़ दे प्लीज। हे, यहाँ देखो, मेरी फैमिली से दूर हट जाओ। गेको, भागो। नहीं, यहाँ देखो, ये दो माओं के बीच की लड़ाई है। मेरी फैमिली का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। समझ गया। मॉम, पिंगल्स को एक्टिवेट कर दीजिए। इनके हाई फ्रीक्वेंसी से ग्लो वर्म्स चमकेंगे। क्या हुआ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? डरिए मत, एक्स्ट्रा आर्मर है। एंड ये सूट तो कमाल का है। और भूलिए मत, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। वो मॉम, जल्दी उठिए। नहीं, रुक जाओ। कोई बात नहीं डैड, मैं संभाल लूंगा। तुम्हें बस बच्चा चाहिए है ना? तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, ये बिना सोचे किसी को भी अपनी मॉम समझ लेता है। बाय स्नैपी। एन, तुम तो कांप रहे हो। बहुत ठंड है। तुम्हारा वेट सूट कहाँ है? मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, मैं पुराना सूट ही पहने हुए था। आहा,
उसी से मुश्किल में फंसा। सॉरी मॉम, उसे मैंने निकाल फेंका। तो तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई? चलो इसे पहन लो। मुझे इसकी रिपोर्ट बनाने में महीनों लग जाएंगे। मजा आ गया दोस्तों। पता है एक जिंदा डायनासोर की खोज करना इससे कई गुना आसान है। एंट ने उस बच्चे को ढूंढा कैसे? अरे उसने एंट को ढूंढा। ऐसी ही चीजें एंट की तरफ आकर्षित होती हैं। थैंक यू सेनेटर, आपको इसका अफसोस नहीं होगा। तो क्या लोकल गवर्नमेंट एक रेन फॉरेस्ट सेंचुरी की स्थापना करेगी? हाँ बिल्कुल, वो नहीं चाहेंगे कि केव एक्सप्लोरर्स मुश्किल में पड़ जाएं। अब से लोग उस जंगल और गुफा में नहीं जा पाएंगे। सही कहा, डरावने क्रीचर्स को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, बैट्स को भी, है ना एंट? एंट? उसकी आंखें बड़े बास्केटबॉल जैसी थी और दांत जैसे कोई तेज धार वाली तलवार। मैं तुम्हें इतना कुछ बता रहा हूँ और तुम्हारा मुझ पर ध्यान ही नहीं है। ये एक फिश है। और पता है तुम्हें, उसका नाम था एंटियोसोरस। अब तक तय नहीं हुआ। एग्नेस वही रखेंगी, पोएटिक नाम है, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल भी। तो तुमने जेफरी को बताया कि तुम्हें नया पेट मिला था? श्श।